नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आए हूँ। तो आज अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लेकर आए हैं कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पत्र किसी भी विषय पर हो, अगर वो अनौपचारिक है तो हम उसको इस प्रारूप के अनुसार लिखेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, मान लो जैसे अपने मामा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। ठीक, ये हो गया प्रश्न। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर, उसके बाद लिख देंगे धन्यवाद पत्र। ये कैसा है, धन्यवाद पत्र। अगर आपको ये लिखना ना आए तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, पत्र लेखन ऐसा करके लिख देंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हम लिखेंगे पत्र लिखने वाले का नाम, क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का नाम, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेषक। ठीक है, यानी पत्र भेजने वाले का नाम। और इसके ठीक नीचे हम लिख देंगे प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का पता। तो यहाँ कर देंगे प्रेषक का पता। ठीक, और उसके ठीक सामने इधर यहाँ लिख देंगे हम दिनांक। ये हो गई अपनी दिनांक, मान लो हमने लिख दिया 12 मार्च। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये दो एक्स इसलिए बना दिए क्योंकि परीक्षा में हम सही वर्ष नहीं लिखते हैं, इन दो को तो सही लिख देंगे, इसको छिपा देंगे तो इससे पता ही नहीं चलेगा किस मार्च की बात कही गई है। ठीक है, जब वास्तविक पत्र लिखेंगे तब हम दिनांक सही लिखेंगे। फिर उसके बाद मामा जी है, मामा जी, चाची जी, बड़े भाई, पिताजी, माता जी, जो भी हैं, तो हम फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रिय। अब मामा जी हैं तो हम मामा कर देते हैं, मामा जी। ठीक, उसके बाद लिख देंगे नमस्ते। और जहाँ पर पैर छूने का रिवाज है तो वहाँ वो लिख सकते हैं चरण स्पर्श, कहीं कहीं पर मामा जी के पैर ये छूते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हम मुख्य समाचार शुरू करेंगे। तो लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल, ये लाइनें आप तो याद कर लो, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। ठीक, इतनी ये एक लाइन क्या कर लो, आप तो हमेशा के लिए याद कर लो अनौपचारिक के लिए। ठीक, अब उसके बाद फिर लिखना, तो हम क्या पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी उपहार उपहार की उपयोगिता ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर उपस्थित ना होने की निराशा, यानी जो मामा जी हमारे तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो पाए, उपहार भेजा, तो उनके उपस्थित ना होने की निराशा लिख देंगे। और फिर आखिरी लाइन में हम क्या लिख देंगे, अभिवादन आशीष और अंत में लिख देंगे अगली बार, अगली बार उपस्थित होने का आग्रह। ठीक है, उपस्थित होने का आग्रह।
आग्रह या अनुरोध, ये हो गया। और अंत में फिर हम यहाँ पर लिख देंगे आपका भांजा, ठीक यहाँ पर लिख देंगे का खा गा। तो इस तरह से पूरा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, ठीक है। अब जैसे इसमें मामा दिया, कोई भी हो सकता, किसी को भी, इसी तरह से हम लिखेंगे। अब आपका भांजा, अगर भांजा है तो भांजा लिख दो, पुत्र है तो पुत्र लिख दो, छोटा भाई तो छोटा भाई लिख दो, बड़ा भाई तो बड़ा भाई लिखो, लेकिन इसी तरह से हम पूरा प्रारूप लिख देंगे। तो इस प्रकार एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, धन्यवाद पत्र, ये कैसा पत्र, धन्यवाद पत्र, अगर ये ना लिखना है तो आप लिख देना पत्र लेखन। फिर यहाँ पर प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का नाम, और इधर लिख देंगे पता, और नाम में क्या लिखेंगे, का खा गा, ठीक है। उसके बाद प्रिय जो भी हो, मामा जी, बहन, चाची, नमस्ते, अगर जा बड़े आपसे छोटे, जा नमस्ते करना हो, नमस्ते अगर छोटे हैं तो इसने लिख दो, और बड़े हैं तो चरण स्पर्श। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उपहार की उपयोगिता, अगर जो विषय के अनुसार ही लिखेंगे, उपस्थित ना होने की निराशा, और फिर अभिवादन, आशीष, और अगली बार उपस्थित होने का आग्रह, और अंत में आपका जो भी हो, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, और ये काखागा, और उसके ठीक सामने दिनांक, इस तरह से पूरा पत्र कंप्लीट हो जाए। अब हम इस पत्र को टाइप करके आपके सामने किस प्रकार से दिखाई देगा वो भी प्रस्तुत करते, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, देंगे। और इसी तरह से दूसरे विषयों पर भी आप पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको किसी विषय पर पत्र लिखने में कोई कठिनाई हो रही तो आप हमें कमेंट करके उसको लिखकर भेज दें, तो मैं शीघ्र ही उस पर आपको सामने उत्तर प्रस्तुत कर दूंगा। और इसका आप लिखकर एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको पत्र सीखना आया या नहीं आया। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।